I can't believe I'm saying this कि मुझे धूप की याद आ रही है। I actually spend the least time in the studio room because after time तो ये worker लोग की आवाज ही रूम में आती है। जो फव्वारे के जैसा पानी बह रहा है, पूरा का पूरा पानी जमा हो गया। And trying to find our car in some मैदान। Because आजकल वो हमारा सब कुछ खाना खा लेता है। Today I will show you what I eat in a day fully। तुमको टूटा हुआ पैर और टूटी हुई किस्मत दोनों पाकर। डेंटिस्ट और फिर उधर पार्किंग नहीं था और हम भीग चुके हैं तो आई एम फुल्ली ड्रेंच्ड ऑन अ मंडे नाउ आई एम बैक टू वर्क एंड इट्स 1:30 आई लुक हॉरिबल। आज मुझे शूट करना था ब्यूटी वीडियोस बट वो होने नहीं वाला है बट हम फिर भी बाकी का काम कंप्लीट करेंगे। आई ऑल्सो हैव अ हेडेक बिकॉज मैंने ढंग से खाया नहीं है सुबह से। सो या मंडे इज नॉट ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट बट आई वॉन्ट टू ट्राई दिस न्यू बेनिफिट लिप्टन बिकॉज इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे जस्ट बिकॉज मेरे पास इतने टाइम से वो पीआर पड़ा है एंड आई थॉट आई वुड मेक लाइक अ स्वॉच वीडियो फॉर यू ऑल बिकॉज मेरे पास सारे शेड्स हैं व्हिच आई विल मेक इंशाल्लाह समडे इट विल कम बट टिल देन व्हाई शुड आई नॉट यूज इट। ऐसी प्रोडक्ट्स मेरे एक्सपायर होकर जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊंगी 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 आधा तो यूजेज पीरियड उधर ही खत्म हो जाता है मेरा। बट लेट मी शो यू ऑल द शेड्स। स्ट्रॉबेरी फेदर बोआ, दिस इज द शेड फेदर बोआ, दिस इज द मॉइस्चराइजिंग मैट टिंट दैट आई लुक अ लिटिल इट्स अ लिटिल टू पिंक फॉर माय लाइकिंग इट्स प्रिटी इट्स द फॉर्मूला इज लाइक पाउडर मैट आई रियली लाइक द फॉर्मूला। बेनिफिट नोज टू मेक दैट टिंट्स एंड वी नो दे नो सो आई एम एक्साइटेड फॉर द होल पीआर पैकेज जो मैंने अपने गेट रेडी विद मी ट्राइंग न्यू मेकअप वाले वीडियो में मैंने बताया है। इफ यू हैवंट सीन इट यू शुड बट या दिस इज वेरी पॉपी। मैं इतना ब्राइट फील नहीं कर रही हूँ जितना ब्राइट मेरा लिपस्टिक है अभी। लेट्स गेट टू वर्क गाइज। आई मिस द धूप सो मच। आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस कि मुझे धूप की याद आ रही है स्पेशली जब मैं होम टूर एडिट कर रही थी। आई वाज सीइंग हाउ द हाउस लुक्ड व्हेन द समर्स वर हियर एंड द सन वाज जस्ट लाइक ब्लेयरिंग एंड ऑल वी हैड टू शो इन दिस हाउस विद द धूप एंड अभी धूप ही नहीं है एंड कब आएगी धूप। आई मिस द धूप। आई नो आई साउंड स्टूपिड बट आई नीड धूप। आई हेट दिस ग्लूमी वेदर जिसमें हवा इतनी तेज चलती है रोज कुछ ना कुछ टूट जाता है। वीकेंड पे दैट लॉक अगेन ब्रोक ऑफ द बाथरूम। हाय फजी come and check this Lipton is very bright it is it makes me look like strawberry shortcake। ये मेरा पूरा हफ्ता ही शायद डॉक्टर के विजिट्स में जाएगा बिकॉज आज सुबह आई वेंट हियर एंड देन टुमारो मॉर्निंग आई हैव टू टेक माय मदर टू द डॉक्टर एंड गेट हर कास्ट रिमूव्ड। फाइनली हर कास्ट इज ओपनिंग एंड अभी उनका फिजियोथेरेपी शुरू कर सकते हैं। एवरीबॉडी हैज बीन आस्किंग मी हाउ इज माय मॉम एंड वी रियली डोंट नो हाउ हर लेग इज टिल हर कास्ट इज ओपनड। द लास्ट टाइम दे ओपनड द कास्ट ऑन द 15 डे इंटरवल देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ हीलिंग टू डू तो अभी भी उनका कास्ट है एंड माय मदर हैज नेवर स्टेड ऑन बेड रेस्ट एवर सो लॉन्ग सो नाउ शी इज बिकमिंग वेरी इरिटेटिंग बट इट इज व्हाट इट इज। ऑफ कोर्स लाइक समबडी हु इज सो active if you'll put her on bed rest she will become irritable but tomorrow hopefully once her cast is removed she can walk again inshallah। yes fudge and fudge is fine ish he's behaving like normal fudge behavior। fudge I can't see your eyes you've covered it with your ears normal fudge behavior swimming in air। fudge you need a bath you need a haircut you need a groom session max। He's just eaten his food, so he's wiping his mouth. Why don't people fall sick on weekends so that I don't have to compromise my work to take care of them? Sharon just gave me the look of a life. I told Reet on Saturday when his tooth was paining, "Chal, we'll go." No, it'll get better. It will get better. Till the mouth ulcer formed and it broke. It's a cyst in his mouth which is broken. अब याद आई डॉक्टर की तुमको? जब जैसे ही जैसे पेन शुरू होता है, दिखा देने का ना डॉक्टर को। I don't understand why people are scared of doctors. मतलब तुम्हारी जान थोड़े लेंगे वो लोग। गाइज रियल लाइफ इश्यू इन द सारा स्पॉट वो मैं जस्ट शूट करने बैठी हूँ। खिड़की खोली ताकि नेचुरल लाइट अच्छी है बिकॉज ऑलरेडी इट्स सो ग्लूमी एंड बाजू के घर में ना काम चल रहा है द वर्कर्स आर फुल टाइम ऑन कॉल ऑन द विंडो एंड सो लाउड सो आई एम लिटरली कन्वर्सिंग टू देम ऐसा मतलब आई एम लाइक भैया थोड़ा दिन एक्सक्यूज मी अच्छा ही वेंट लाइक बाजू वाले भैया यू कैन नॉक यू नो लाइक दोस बिकॉज दिस इज अनदर विंग जिसकी दीवार मेरे साथ कॉमन है। आई एक्चुअली स्पेंड द लीस्ट टाइम इन द स्टूडियो रूम बिकॉज आफ्टर टाइम तो ये वर्कर लोग की आवाज ही रूम में आती है। बाकी कोई भी कमरों की दीवार हम लोग शेयर नहीं करते सिर्फ यही कमरे की दीवार शेयर करनी थी मेरे को पहले नहीं सूझा था अदरवाइज आई टेक इन द बेडरूम ओवर योर एनी वेज माई प्रॉब्लम आर सो फर्स्ट वर्ल्ड नॉट फर्स्ट वर्ल्ड ओके दिस कॉज प्रॉब्लम इन माई वर्क।
One eternity later. I'm starting this new show by Gordon Ramsay called Uncharted on Hotstar. And while I watch that, I'm having momos because Barish mein momos are important. And fudge has become such a bhukkad na guys. Abhi fudge ko jitna khana lao, he follows where the food is. Because his medicines make him super duper hungry. But I can't give you momos, Shunyu. I ordered from Darjeeling momos. Mujhe itni solid craving ho rahi thi na guys. These look so good. So good. I'm eating a momo after ages. Oh my god. So good. I could cry. A few moments later. Remember how I told you all ki ghar ke kharche kabhi khatam hi nahi hote. And one more new kharcha is that hamari building mein kabhi kabar boring ka pani bhi aata hai. Okay, so we don't always get a BMC ka pani in drinking water. I mean, and boring water, if you know, is sandy mixed water. To usme kya ho raha tha ki jo water purifier humne kharida tha, that was only UV and it was not RO water purifier. It was mineral RO. So it's not 100% RO. Now who will know that the building is getting boring ka pani and I will need RO? Like, you know, it's not always, kabhi kabar aata, to kabhi kabar we get like whitish water and isi ki wajah se hamara pani ek bar aana hi band ho gaya aur machine ka repair karana pada within 2 months and then that guy Kent wala told us ki ye aapka takleef hai madam. So now I have gone and bought a new water purifier jo 100% RO hai. Literally cost me 20,000 again guys. Ye aise kharche aate rehte when you come to know that, you know, you've made a mistake while making, and this is something nobody can tell you unless you check the TDS of the water, which I don't know who should have checked, but it is what it is. I will show you what the situation is now. अंडर काउंटर नहीं करना है भैया, हमारे पास एक केंट की मशीन है, ऊपर है ओवर काउंटर है, हमको ओवर काउंटर ही लगाना है. नल वगैरह आप सेम ही रखिए, पूरी सुविधा अंदर से कर रखिए, ठीक है? आप सिर्फ वो मशीन निकालो और ये मशीन लगा दो. ये रही मशीन, ये लीजिए. दिस AO Smith हैज 100% RO, इट इज अंडर द काउंटर. ले लीजिए आप Z2 Pro पूरा. मैंने अभी जाके दुकान में रिसर्च करके Amazon पे रिव्यूज पढ़ के खरीदा है. आपको पक्का आता है तो ही करो भैया, गड़बड़ का स्कोप नहीं है. बहुत गड़बड़े हो गई, अभी ब्रांड न्यू मशीन लगाई हूँ, वापस रिप्लेस कर रही हूँ ये वाली, बिकॉज इधर बोरिंग. हाँ नया ही है, सब नया ही है भैया इधर. Everything was going fine till it was not. He unpressured that machine and जो फवार के जैसा पानी बह रहा है, पूरा का पूरा पानी जमा हो गया. पूरा पूरा पानी अभी निथा रहा है from the entire bathroom. बाथरूम बोल रही हूँ, बाथरूम ही बन गया था किचन मेरा पूरा. इतना मुझे डर लगा कि अगेन दिस प्लाई विल स्वेल अप, बिकॉज अगेन इफ इट इज मरीन प्लाई ऑल्सो देयर इज अ टेंडेंसी दैट इट विल स्वेल ड्यू टू कंटिन्यूस वाटर. एंड एक बार हो चुका है नीचे अगेन बिकॉज ऑफ द कैंट ही हुआ था. कैंट की मशीन ने मेरे को बहुत त्रास दिया. नाउ फाइनली द वाटर फ्लो हैज स्टॉप्ड, ही इज शटिंग इट फ्रॉम डाउन ऑल्सो. एक्चुअली ऑल ऑफ दिस वाटर केम आउट ऑफ द किचन. ये वन इंडिकेटर, ये फुल इंडिकेटर, पानी भरते हुए इंडिकेटर, रेड इंडिकेटर, मतलब फिल्टर ब्लॉक होगा तो इंडिकेटर आएगा. कस्टमर आपको ये ऐसे तो अभी नहीं होएगा, हाँ. एक साल बाद ही होएगा जब तक ये ऐसा. तो ये वाले मशीन ने भी बोला था बट 2 महीने में आ गया ना ब्लॉक. मैडम हम लोग चेंज कर देंगे ना, आपको एक साल का वारंटी है इसमें. The next day. Fudge is getting a haircut after ages and he's not happy about it clearly. आराम से करना प्रदीप एकदम. उसको उसको है ना किडनी डिजीज भी डायग्नोज हुआ है, तो अभी तुम उसका एकदम ध्यान रखो, इसलिए मैं नहीं लाई थी उसको लास्ट वीक. सो द ओनली पर्सन अपार्ट फ्रॉम मी हु कैन बेद फज इज प्रदीप. ही इज अ डॉग ग्रूमर. मैं इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन में डालूंगी. ही इज बीन बेदिंग फज एंड कटिंग हिज हेयर सिंस फज वाज बोर्न, एक्चुअली सिंस लिटरली 6 years ऑलमोस्ट. एंड ही इज अ वेरी रिलायबल गाय और वो घर पे आके ही डज इट एंड ही इज वेरी वेरी गुड. एंड आई डोंट नो हाउ आई हैव नेवर रिकमेंडेड हिम टू यू ऑल, बट ही इज सच अ नाइस ऑनेस्ट वेरी काइंड गाय. ओके, लाइक ही टेक्स केयर ऑफ द डॉग सो नाइसली एंड घर पे आके ऑल्सो ही चार्जेस द सेम अमाउंट that you would pay a dog grooming salon. तो अगर आपके पास dogs है घर पे, you can contact him. I don't know how, I've never recommended him. Lot of y'all have pets. ये बात मुझे समझी जब Fudge fell sick. So many of y'all commented that your dog has gone through a similar thing as Fudge and Fudge will get all right. And so many messages और कितनी सारी दुआएं आई थी Fudge के लिए, which is why I think now alhamdulillah he's gotten better and he's eating well and he's drinking a lot of water and taking care of himself like his own, like system is rectifying. Of course the medicines are working for him. But yeah, I will leave Fudge's groom details for all description box mein. He comes home and he's very affordable and very good to your dog, so you know that he's not ill treating your dog, because I know ki pet grooming salons bahut buri tarike se dogs ko treat karte hain. Maine ye sab nightmares mein kabhi padhi nahi hai, like meri aankhon ke samne mere dog ka baal katna chahiye. I am not going to leave you in a salon and like come back 3 hours later and pick you up. That is not something I'm okay with. And also something that I've noticed in dog grooming salons is jaise hi aapke dog ko leke jao, they're like pa karana padega, ye karana padega, wo, and then they faadao like a 4000 ka bill. I'm like bro kya
स्पा, मैं खुद के बालों का स्पा नहीं, और जस्ट कट एंड वॉश योर डॉग. कटिंग इज वंस अ मंथ है, कट फजेस है, एंड बेदिंग इज वंस अ वीक. वी आर शूटिंग टुडे. अभी बिफोर लिया है, अभी आई हैव टू गेट रेडी, गेट माय मेकअप डन एंड देन डू एन आफ्टर ट्रांजिशन. तो ये कैमरा यहीं पे रहेगा एंड आई हैव मार्क्ड माय स्पॉट विद सम व्हाट इज दिस कॉल्ड मास्किंग टेप एंड आई विल गेट अप एंड गो डू माय मेकअप. लेट्स गो. आज दोपहर के 2 बजे तक मैं नाइट सूट में हूँ बिकॉज आई वॉज एडिटिंग ऑल मॉर्निंग. आई अपलोडेड द यूट्यूब वीडियो, आई गॉट माई रील रेडी फॉर द डे एंड नाउ आई हैव टू गेट रेडी फॉर 2 इवेंट्स. आज 2 इवेंट बैक टू बैक मैं अटेंड करूँ. लाइक हू एम आई? आई हैव बीन अटेंडिंग इवेंट्स नॉन स्टॉप. ओके, यू ऑल शुड बी प्राउड ऑफ मी. आई यूज्ड टू लिटरली नॉट गो फॉर एनी इवेंट. शेरन इज प्राउड ऑफ मी, शी इज सो प्राउड ऑफ मी, बिकॉज आई यूज्ड टू से नो टू एवरी इवेंट. बट अभी आई एम लाइक आई एम फ्री ऑल्सो ना. अब मेरे को घर वर नहीं बनाना है तो मैं आई कैन एक्चुअली शो अप. दिस इज अ प्रेटी आउटफिट आई एम वेयरिंग. आई लव दिस फिट. दिस इज फ्रॉम आला मोड बाय Akanksha. They have some really good dresses, especially like if you have events and birthdays, a lot of events main unke outfits pehnti hu. And this pretty number had come for Bangkok, but Bangkok mein I didn't end up wearing it, so now I'm gonna wear it today for Pixie's event. And Dove ka bhi event hai, but I'm not dressing up as per Dove's theme, so everybody might be in white and blue and I'll end up in pink, because maine already Pixie ko haan bol rakha hai aur main outfit change to nahi karne wali beech mein. Main ek hi outfit mein dono jagah jaungi apna hi hello how are you bolke wapas aa jaungi. That's my POA for the day. A little later. All dressed up for my double event evening. This is my makeup of the day. I really like how my makeup is looking. Maine bahut sare videos shoot kar liye, so now I'm all done for the day. Aaj ka video bhi scheduled hai, long format. I'm doing a trying new makeup on my YouTube channel, so if you haven't watched it, please go watch it. I'm trying to be as regular with my beauty content on both short form and long form to just bring back that beauty guru era of mine, and also because I miss it. Like I really really miss it. The lip combo jo maine lagaya hai, uska bhi maine alag video shoot kiya hai, but in case you haven't seen that, I'll tell you, it's the benefits new tint. It's in the shade Pur, jo abhi main bahut use kar rahi hu ye vlog mein. Naya naya aaya hai, so I'm using it. And I've put the Charlotte Tilbury's Pillow Talk Plumpgasm Lip Plumper on top. It doesn't plump as much, but it gives you a nice shine on your lip, and the shine really lasts. So that's a lip gloss I'm wearing, because aaj do event hai, so it should be long lasting. I've stacked a lot of like bangles because don't have nails, so I'm overcompensating with my jewelry. I'm wearing this very rosy outfit. I'm wearing Jordans to give it like a little bit of a sporty edge and a sporty look. That's my final outfit. Let's go. If you're coming to Cafe Panama, never bring your car and come. इधर Rare Beauty का भी इवेंट हुआ था और लकीली मैं उस्मान अंकल को लेके आई थी उस दिन. आज आई केम बाय माई ओन ड्राइविंग एंड द वैली इज सो बैड. लाइक वैली ही नहीं खड़ा है उधर, गाड़ी की चाबी उधर ही छोड़ के. देर इज नो वैली सिस्टम. कैफे डज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. उन लोग एपिटोम का टैग देते हैं, कैफे पनामा का तो टैग भी नहीं है. सच बैड मैनेजमेंट फॉर द वैली. एंड अभी लिटरली हम लोग के हाथ में गाड़ी की चाबी एंड ही इज नॉट इवन टेलिंग अस किधर लगाया, बिकॉज द गाय हु पार्क्ड द कार इज नॉट देयर. वो इज लाइक मुझे नहीं मालूम किधर उसने लगा है. सो नाउ वी आर यूजिंग अदर पीपल्स हेल्प विद द कोड्स विच आर ऑन द वैले कार्ड एंड ट्राइंग टू फाइंड आर कार इन सम मैदान. विच मैदान? दिस इज लिटरली लाइक एन एम्प्टी सिचुएशन. एंड हो गया ये तो. कौन सा मैदान? ओ गॉड. अ लिटिल लेटर. द नेक्स्ट मॉर्निंग. Hours later. Got home from the gym, had a nice shower, I washed my hair, I have a shoot, I'm eating eggs, so fudge is behind my life because aajkal wo hamara sab kuch khana kha leta hai. Moju, you are becoming. No, I'm not gonna give you my egg, that is my anda. And I'm shopping for makeup on Sephora US. So my friend's coming from the US, so he told me that he can, you know, whatever I want, I can order and he'll get it for me. Very less times that I actually take interest in buying something, because most of my friends, when they go, they come back like a month later. Fudge! Okay, chal, half an egg I'm giving you. He literally swallows an egg. I need to eat this, guys, or now bhok bhok ki mera dimag kharab karega. Finish. See? Nothing. No thing. Nothing you left for mama. Skin by Kim. Hmm. Kardashian? Yeah. But isn't this a clothing brand? That is Skims. Oh, she launched a skincare brand also? Yeah, it's been 6. But I don't want skincare. Not skincare, it's makeup.
Really? But they started with skin and then... Didn't she have another makeup brand? The KKW, no? The name and all, because it was associated with Kani, she stopped that, no, completely. Oh, I didn't know all this. How do you keep... All this beauty news Sharon has, but okay, let me check if it's on Sephora. I'm just trying to shop from Sephora. I do want to buy Skims also, because every single time I've looked at the Skims website, itna mehenga hai, so I've always held back. But now I've reached a certain weight and body size where I feel like, okay, if I buy it now, I'm not gonna become any thinner. I don't know actually, but I will just buy it abhi. Ek do pieces I'll buy. And I was looking at Kosas ka concealer, and just look at the amount of shades, guys. Like abroad, it's crazy kitne shades milte hain. मेरे को सिलेक्ट करने नहीं हो रहा है, which is what I love. I wish Indian brands gave you that much variety is very very needed. I am a medium with warm undertones, so I will go for medium with cool, medium with warm, 5W. But ये तो मेरे से काफी light लग रही है skin tone में. Okay, let me select in the darker. हाँ, okay. This is medium deep with neutral gold, 7N. Or darker than this also actually, 7N. Medium tan with neutral peach. Wow, this is tough. Look at the colors. Oh my god, so yum. Medium deep with neutral warm undertones. What's up guys, it's Wednesday and it's been a heavy day at work. I have a lot of admin work to do. It's already 2:00, so I have to first finish all the admin related work. I'm dressed in a very like fancy top because maine socha tha ki ek sit down video bhi shoot karungi, so I have that shoot to do, a couple of more shoot to do for Impulse, and then I'll be done for the day. So admin, shoot and this edit work bhi hai, to admin mein only I'm counting edit also. I'm just gonna finish going through my emails, any payments that I have to do, any of that comes under admin work. The next day. Hello. Good morning guys, I went for an early morning workout. Aaj main literally 7:30 uthi hu, which is a huge accomplishment for somebody like me. Main 9:30 baje uthi hu for my workout. I don't wake up at 7:30, so like 2 hours earlier. Dekhte hai kab tak ye tikega. And in the morning you all ask me so much ke what do you have early morning. I have my coffee and with cinnamon powder and I go for my workout. Aur abhi I'm having ACV, that is apple cider vinegar, so it's on my table. Aur mera kitchen bahut ganda hai, so I was in this clean freak mode. Aur main puri kitchen ki सफाई कर रही थी विदाउट हैविंग माय नाश्ता, एंड आई थॉट आई विल स्टार्ट माय व्लॉग इन द मॉर्निंग एंड शो यू ऑल थ्रू ऑर्गेनाइजेशन. कल आई डिड नॉट डू मच, इवन दो मेरा टू डू लिस्ट इतना हैवी था, आई डिड एंड अप डूइंग अ लॉट बिकॉज आई वाज हैविंग अ हॉरिबल हेडेक. So this is what my drink in the morning looks like. It's apple cider vinegar with thanda thanda pani, and that's what I have in the morning, like a cocktail. Abhi tak maine ek bhi proper meal nahi liya. Abhi 9 baje jo main 7:30 baje uthi hu, so I do have breakfast. I do eat like a lot of eggs in the morning for my protein intake, but I don't eat them as soon as I get up. I try to delay my first meal as much as possible, taki that can be an energy substitute for longer for me. Like if I eat it at around 1:00, so fir mujhe next bhook 5:30-6 baje lagti hai. That way you're eating good food and you're not feeling hungry. And apple cider vinegar, it doesn't help with fat loss, it just curbs your cravings. That's what it does according to Yash, my nutritionist. Ki fat loss aur apple cider vinegar koi rishta nahi hai, but jo aapko cravings hoti hai na ki main ye kha leti hu, main wo kha leti hu, like if you have sugar cravings a lot, like right now mera PMS chal raha hai, to mujhe bahut sugar cravings hoti hai. Raat ke time I feel like ordering a dessert, or I order spaghetti, and isse bahut cravings ho rahi hai. So I'm increasing my apple cider vinegar so my cravings can be under control. So that's it, cheers. ये और अब मैं इंटेंस क्लीनिंग मोड में हूँ बिकॉज इम्पल्स की टीम का अब भी शूट हुआ था, एंड दे हैव ऑर्डर्ड सो मेनी प्रॉप्स. और ये लोग इतना कुछ खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद पड़ा ही रहता है और एक्सपायर होके जाता है. लाइक लिटरली आई हैव द नान कटाई बिस्किट फ्रॉम वन ऑफ द वीडियोस, देन आई हैव दिस जो मैंने मंगाया था, लाइक दीज बेरीज, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दे आर नॉट हेल्दी टू ईट. थोड़ा सा बचा है सो आई एम गोना ट्रैश दिस. पॉपकॉर्न जो एक्सपायर हो चुका है. आई हैव डेरी व्हाइटनर, दिस मिल्क व्हाइटनर, व्हाट इज दिस कॉल्ड, डेरी व्हाइटनर, आई डोंट इवन नो कौन खाता है ये सब. सो आई एम लाइक intensely cleaning because I don't get this time usually. I'm jaldi uthi hu, so I'm like I need to do this work. I need to take care of what is in my house and what is in my cupboard. Like all of this is coffee and un log ke props. Like hum, main to itna snacks khati nahi hu. Impulse wale bhi itna kuch snacks khate nahi hai. So yahan pe jo bhi snacks hai, it's all mainly because they shoot with this snack and then it's just lying over there. Like we ordered so many toffees for our recent shoot, and ab ye pura packet I told Satyam ke just koi bachche ko
रास्ते पे दे देना, बिकॉज इधर पड़ा ही रहेगा और मैं तो चॉकलेट खाती नहीं हूँ, खाली फुकट पड़ा रहेगा। मेरे पास फ्रिज में थोड़ी चॉकलेट पड़ी है फ्रॉम व्हेन आई वेंट टू बैंकॉक, सो आई डिड बाय थोड़ा बहुत मिल्का पैकेट्स जो खुले पड़े। मेरा फ्रिज भी बहुत ओवरफ्लोइंग है, सो आई एम गोना सॉर्ट ऑन सेग्रीगेट ऑल ऑफ दिस आउट नाउ। पूजा आल्सो गॉट मी सम चॉकलेट फ्रॉम यूके, आई हैव दैट। ये मैं स्विट्जरलैंड से एक टॉब्लरोन लाई थी। ओह माय गॉड, इफ यू गोइंग टू थाईलैंड यू हैव टू ट्राई द वर्थर्स ओरिजिनल टॉफी। इट्स लाइक अल्पेनलीबे जस्ट रिचर एंड सो मच क्रीमियर। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। लाइक ये तो खाली एज अ पिप्पी के जैसा खाली मुंह में डाल दो एंड यू कीप सकिंग ऑन इट एंड यू हैव दैट टॉफी फ्लेवर। इट्स नॉट रियली कैलोरी डेंस, सो एक आधा दिन में आई लाइक टू have just for that taste in my mouth. It's so tasty. Satyam, अगर खाना खत्म हो गया है तो प्लीज प्लेट निकालो। नहीं तो चेक करने वाला हूँ। कब चेक करने वाले हो आप? खाना क्या क्या लेके जाने वाले हो? I have this कांच का बर्नी in which I'm gonna put all the chocolates we have. ये वाला लेके जाना सत्यम, बाहर अभी जो पैकेट्स पड़े हैं जो बंदे को दिखाई मम्मी के घर पे, तो all chocolates go in this jar. This is what I keep for when my friends or anybody who likes chocolate. मैं भी एक आधा चॉकलेट इसमें से खा लेती हूँ। छोटी चॉकलेट्स are always easier to snack on rather than like you eat one and you satisfy your craving than eating a lot. एक साथ लाइक ये जो बड़ी बड़ी बार्स है they are dangerous. Okay, this is dangerous territory because you end up eating the whole bar and it's a lot of calories. So these I keep एकदम पीछे in the fridge so that I don't feel like taking and eating them. Since you all wanted to see what I eat in a day, this is my first meal, my first breakfast. 5 उबले हुए अंडे और उसको थोड़ा मसालेदार बनाने के लिए I put like a lot of peri peri powder. This is the spice I use, the kia peri peri. And then इसको डाल के 2 चम्मच घी में I toss and then I'm melting a cheese over it. So a lot of fats, lot of proteins, good fats, cheese, ghee, all the good fats. This is the commercial ghee that I use. This from Country Delight. मुझे इतना पसंद नहीं है, वैसे तो मम्मी बना के देते घी। ये मैंने emergency में खरीदा था, तो एक बार ये खत्म हो जाए मम्मी घर में ही घी बनाते हैं एंड वी यूज दैट ओनली, वी डोंट बाय कमर्शियल घी। एंड दिस इज वेरी लाइक टेस्टी, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ लज़ानिया, यू नो, लाइक चीज मेल्टेड ओवर एग्स। अ फ्यू आवर्स लेटर I'm ready for work. I'm joining a meeting in literally 5 minutes. मुझे थोड़ी बहुत acne आ रखी है because I'm gonna be chumming very soon. So I'm putting this Novology spot corrector. Works like a charm. Do have a lot of breakouts actually, especially कान के पास ऐसे आ रखे हैं। Okay. I have a client meeting now and then some video stories to shoot for some brands and then we'll get to proper full-blown shooting. Let's go. Alright guys, my meeting is not happening because the client did not join only. She was very not so punctual, so I decided to reschedule because I have a lot of other things on my agenda today and mujhe wo sari cheeze complete karna bahut zyada zaruri hai. Faj is also in a playful mood and I just received this PR from a brand that I love their candles. Atmos Living, maine idhar peeche unki candles rakhi. I will show you. I burn them in the studio. This is smoked vanilla and this is what their packaging looks like. They are a small Indian grown like business and look at the packaging. I love, it's a home interior brand, right? So in this case, packaging really matters because like a luxury looking candle and it actually smells incredible. This is their brand Atmos Living and this is smoked vanilla jo main apne studio mein rakhti hu. I also have their sweet clementine in the bathroom and they launched perfumes. Like I literally just got my hands on their perfumes. This is dark amber and this is baby vanilla. Again the packaging, they're calling it potions and the packaging literally reminds me of Jo Malone but with a round dhakkan and I put dark amber on me. Smells so sexy. It's giving me one of the fragrances from Maison Margiela. Smells exactly like this. Like it's so yum and very very sexy nighttime. And baby vanilla is like a luxury vanilla fragrance. Very nicely mixed. Notes are so good, so good. Like this is fresh vanilla, not the cheesy florally vanilla. Very very fresh. Really happy with both of this. Just came in PR, so I thought I'll mention it to y'all. I'm gonna keep it at the back only in my studio because the bottles are so good looking. And I know कि आप लोग बोल रहे थे in the recent beauty YouTube video के background is looking very cluttered. It was our first time filming a sit down YouTube, so we just rolled with जो background है. We will like rearrange elements and remove certain things, add certain things when we are shooting beauty sit down. उस दिन first time था तो we just went ahead with it and now that we have a feedback that it's looking cluttered, we will remove certain elements and see what we can do. So yeah, of course अभी ये पूरे घर में there's a lot of backdrops we can play around with. So now my client has joined 15 minutes later. I'm gonna take the meeting because I was still, I'm talking to y'all.
A little later. I'm shooting a video for which I'm wearing a sari and I have a sari expert. Kavi. Sari expert. Because it's been ages and I still don't know how to wear it. So at high time I learn. You should teach me. I feel like I won't be very good at it. My jeans have become so loose for me. It's not funny. Pura time in all the vlogs I'm just pulling my jeans up. Yeah. Azhar told me to get it. Like, this is my current and this used to be my tight fitting jeans jisko chadhane ke liye main kudti thi ab main usko upar rakhne ke liye kudti hu. A few moments later. Okay, Mama's ready with her blouse and her tights. Sari shape wear and to buy those of. Fact that this blouse is still stitching me. Kya bol rahi hu? Fitting me. As I stitched it 6 months back. The fact that my boobs are still the same size. Oh, this sari, this amazing sari that I'm going to wear, guys. Guess maine kitne ki kharidi? 600 rupees from Andheri Station Road. This was Sharon Solis and she was like, do you want to get it? And I was like, yeah, it's just 600. And it is such a pretty cotton flowy sari. This we got when we were buying Shalini's mystery box from Maharashtra. Uske Navari. Mere liye bhi Navari liye the. Tabhi we got this beautiful sari. And then Azhar added 4 inch. 4 inch kapda upar. ताकि क्योंकि मेरी हाइट की साड़ियाँ आती नहीं ना तो खोजने के लिए ही नीड्स इट. आज मैं 7 बजे उठी जिम के लिए. मुझे इतना हेडेक हो रहा था. आई लिटरली हैड टू टेक लाइक अ शॉर्ट आई बिटवीन माय वर्क डे. गॉट डन विद टुडेज व्लॉग. दो आज व्लॉग जो आ रहा है खोचू. खच 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 खच. आई थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर वी लिव इन साउंड इफेक्ट्स. ओह द फीलिंग ऑफ वेयरिंग अ सारी आफ्टर इयर्स. आई फील ये साल में मैंने पहनी ही नहीं है. मैं नॉर्मल साड़ी पहनती नहीं ना. मैं प्री ड्रेप ही पहनती हूँ. तो मुझे तो ऐसा की आदत ही नहीं खोजने की. हैविंग माय कॉफी टॉकिंग टू यू ऑल इन लाइक अच्छे से खोज गिर गिर गई तो नॉट लाइक आई हैव टू गो एनीवेयर. आई एम शूटिंग अ सिट डाउन यूट्यूब वीडियो एंड देन वी आर डूइंग द आसा कोडा ट्रेंड. आई एम गोइंग टू बिकम गाइज आई वॉन्ट टू बिकम अ फुल ब्लोन इंस्टाग्रामर. प्लीज मुझे यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो. जस्ट डोंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. मेक एन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फॉलो मी देयर. आ गया ना तेरे एड्रेस. हाँ अभी खोज दिया. अभी देख यही मैं BTS को आशा कूड़ा में भी ले सकती थी. बट प्रायोरिटीज यूट्यूब. आई फील लाइक हाफ द टाइम आई एम टोन बिटवीन शॉर्ट फॉर्म पे क्या डालू और लॉन्ग फॉर्म पे क्या डालू. क्योंकि मुझे तो हर चीज लॉन्ग फॉर्म में डालने की आदत है. बट चलता है सब शॉर्ट फॉर्म में. लाइक मैंने ब्यूटी वीडियो फर्स्ट डाला और उसी दिन लिप कॉम्बो शॉर्ट्स डाला. लिप कॉम्बो शॉर्ट्स 50,000 क्रॉस करके हो गया एंड ब्यूटी वीडियो अभी भी 30,000 पे अटका था. अभी इट्स मूव्ड अहेड. बट लॉन्ग फॉर्मेट गिव्स यू कम्युनिटी. बिकॉज़ इफ दे आर सिटिंग एंड लिसनिंग टू यू फॉर 40 मिनट्स दे रियली लव यू. हा माय बॉलीवुड मोमेंट. Oh, so pretty. I look so good. The height you've gotten sari, you should wear often. Any function? I prefer wearing, but I love wearing saris. वो pre-drip करवा के मैं इसलिए रखती हूँ. That's why तो Paris and all में also है वैसा. I think sari is one of my favorite. Like more than lehengas, I enjoy saris. So elegant. Very. This sari. I wore sari for the PM wala national awards, but that was also pants style. This is proper. I'll get the pin. Wait. Very sanskari bahu types. Sharon planning my sasural wardrobe. Very simple but like very elegant sari. Cotton, very breathable. 600 rupees find. We should do like a Andheri market finds video, dude. Go like this, moto Andheri market and find gems. Can you see? ये shiny material. The pallu is pretty. This is soft cotton and then it's got print also over here. Look. 600 rupees में और क्या चाहिए, bro? एक top भी नहीं आता आजकल 600 में. I've been complaining to Sharon how we did not end up bringing any mirror to this house. Mirror matlab wo jo desk wale portable mirror hote hain. So last beauty video ke shoot ke time pe I sat in dhada dhada on Amazon. I ordered 3 mirrors, okay, hoping that aaj ek Amazon ka parcel aaya tha. I sat to shoot so a mirror would have come. Look what came. The biggest mirror ever. What is the size? I literally thought it'll be so nice and beautiful and big for me. It's so small. Look at and it's so small. You can see Sharon cry over here. Ek aankh jaisa like a magnifier. Isme main kya dekhungi? You didn't see the size. Size thoda samajhta hai listing mein. Look at the listing image, guys. Samajh rahe tum? I ordered 2 more luckily. This is why on Amazon I don't order just one thing. I order 3-4 things. This is what will go in my bag. Yeah, exactly. What is this? Very heavy. It is.
But it's such a what is this gulab? This was not in the listing. Does it move also? I think, oh, this is, does it move or does bendable, it become? Yeah, I think so. It has a hinge. Oh, yeah, I saw it being kept like this on people's table thinking, wow, ab isme se kya dikhega? Mera blouse, kali blouse. Oh, isme main kaise dekh ke makeup karungi? Wow, I'll have to become blind. It's, look at the bigger picture, how small it is. Like my compact is also bigger than this, guys. What a joke. शूट करने लगी, इंट्रो कर दिया एंड अमेज़न की घंटी बजी और बड़ा मिरर भी आ चुका है. नाउ आई हैव अ गुड नाइस टेबल मिरर फ्रॉम अमेज़न वेयर आई कैन सी एंड डू माय मेकअप. Precisely say that. The next morning. Fudgy. Num num. Num num. Look at his teeth. Num num. Who wants eggy? Who likes eggy? Who likes eggy? Who likes eggy? Who can smell eggy eggy? See still. Hot it is. Hot, hot, hot. Hot it is. No patience only. Chatka laga? We are an egg-eating family. मेरे घर में सिर्फ अंडे बनते हैं और अंडे खत्म हो जाते हैं. Now I'm gonna make my eggs. For fudge, I don't put any salt, nothing. For myself, I put all the possible seasonings I've got. Oregano and chili flakes and all of that good stuff. Lot of ghee. Some more ghee actually. And 4 eggs, 5 eggs. 4 eggs is good actually. मैं चीज डालूँगी आज अपने अंडे में. I'm gonna take a slice of Amul cheese and put that. गुड मॉर्निंग यू गाइज. आई वेंट फॉर एन अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट. मैं अपना रूटीन बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम वेकिंग अप एट 7 o'clock गोइंग फॉर 8 o'clock वर्कआउट. मील ऑफ द डे विच इज ऑलवेज एग्स. आई थिंक एग्स आर लाइक द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. एंड आई नो आप लोग सोच रहे हो कि सारा आपसे अंडे खाते हो और कुछ भी आपको बनाते हुए नहीं दिखा. आप लोग मुझे बनाते हुए नहीं दिखते बिकॉज मुझे खाना बनाने आता नहीं है. बट थ्रू आउट द डे आई डू ईट अदर थिंग्स. लाइक आई ईट वेरी गुड फूड. लाइक यस्टरडे मम्मा मेड मी सॉल्ट बटर गार्लिक फिश विथ पनीर चिली. सो पनीर चिली आई ईट अ लॉट इन द नाइट and butter garlic fish I ate in the afternoon for my lunch. So it's very heavy protein energy rich food that I eat. Wo shoot ke beech mein main kha leti hu to maine vlog karna bhul gayi thi, but it was so delicious. I will show you the food today I eat jo mummy ne bana ke bheja hoga. So I have told you all before ki mummy 10 minute dur rehte hai. To Satyam brings my lunch and comes at 11:30-12 he goes and then he brings my lunch and comes. So the main reason we have a full time house help for me so that mera khane ka aisa ho. And a lot of people have hated on me saying you're 25 you can cook your own food. Bro, my mother can take care of me for as long. Even if I'm 50 and my mom is taking care of me, tumhara kya ja raha hai? Matlab, I don't understand. I do and take care of so many other things. Mujhe khana banane nahi aata and my mom makes amazing food. Mashallah, mashallah. So I will eat my mom ke haath ka khana. Log taraste meri maa ke haath ka khana khane ke liye. Amit aata hai shoot pe literally hoping ki mummy ne uske liye kuch bheja hoga. And she always sends food for Amit. Like Amit and Sharon, she always asks me, has Sharon bought dabba? Has Amit come today for shoot? And she'll always send food. My mom loves, like her love language is to feed people and she loves feeding people and she makes amazing food. So I don't want to learn also how to cook. I can cook to save my life. Like I can follow a recipe online. Time to mere paas hai nahi. I will immediately now get to work. At 10 o'clock only I start. Like within 15 minutes main nashta kar lungi, naha lungi aur kaam pe lag jaungi. Max by 10:30 and that's a good morning routine. So this is the routine I want to start following. And today I will show you what I eat in a day fully. Like har ek meal. Ye mera first meal hai, eggs with cheese, 4 eggs and cheese. So cheers. So good. I can make a mean omelette. अंडा बनाना भी आर्ट है. सबको नहीं आता. लाइक सत्यम कान मेक अ थिंग ना. ही कान कुक इट ऑल. अ फ्यू आवर्स लेटर. It's 2:30 PM. I've taken my first break from work. I've been non-stop on admin duty today for Impulse Coffee, so non-stop काम कर रही थी. And now is lunch break, so I'm going to show you what I eat for lunch.
So this is what my mother has sent. It's a Sikh kebab which has chicken and under it has paneer and cheese. And I'm having some Schitt's Creek on the side. I'm watching Schitt's Creek. This is the show that I'm watching. I'm re-watching it. मैंने पहले देखा है Schitt's Creek. I'm just re-watching it. But yeah, this is a very tasty kebab and it is completely protein and there's veggies also. People were asking me, आप vegetable खाते नहीं हो? मैं vegetable खाती हूँ. On the side there's French beans sauteed in olive oil. See, अंदर से it's fully filled with paneer and cheese. One eternity later. So this is what I'm eating in the night, guys. I'm eating palak ka sabzi. My chicken is there, but main aadha kha chuki hu, mujhe aur bhook nahi lagi hai. And I'm gonna have bhindi also. And I'm finally with my mother India after ages. मैं तुमको कब मिलने आई थी लास्ट? Family dining together, you know. I know. Family who eats together lives together. वो ही तुम्हारा साइड है, एंटीरियो पोस्टीरियो. ये तुम्हारा साइड है, राइट साइड. ये दिख रहा है, ये दो क्रैक है. हाँ, तो वो किधर है? वो तो इधर है ना, कॉर्नर पे, ये वाला. ये साइड से तुमको दो दिख रहे हैं ना, दूसरा भी है ना उसके ऊपर. हाँ, अच्छा, वो दो क्रैक है तुम्हारे. ठीक है, अभी वो थोड़ा जुड़ा है. तो जुड़ा का है, इसमें भी तो वैसे ही है. A few moments later. We are playing sequence. This is our family tradition. We do on weekends and I look forward to it. And if I lose, I will cry because I'm a sore loser. Papa, we have to win, okay? Yes. Papa is my team partner. He's a horrible team partner. You're paying attention or no? I am. Okay. I'm trying to make sequence. Okay, put it. You'll have kept it so far from me this time. You have long hands. She should have come on this chair. No. Then she'll see into my cards. Next day. Last photo of the shoot. That's it. Photos, bache, videos, bhi ho gaye, sab kuch ho gaya. I'm happy. Very happy with the outcome. One eternity later. ये जो area है ना, उसमें भी ऐसे ऐसे पहले गोल गोल घुमा और फिर धीरे धीरे पीछे ले और पहले ना इधर से शुरू कर ले. ये area दबा दबा के इतनी सूजन इधर से निकल, फिर इधर से निकल, फिर और पीछे धक्का दे. समझा? So mom's cast is out now and she has a lot of swelling. So we are doing lymphatic drainage. So I only get time, of course, on the weekends. So baki ka time, Chotu is there, Papa is there. So I've shown them how to do because abhi bhi pitting edema hai. There's like if you put a finger, it leaves an impression. That means it's pitting edema. Unka swelling ja sakta hai. And we need it to go fast. Swelling is not good. मैं आके सबको red lipstick वाली किच्ची दी हूँ मेरे shoot पे से. तो सबके गाल पे ईशा के गाल में red lipstick, सबके गाल पे red lipstick है. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनने का कुछ तो फायदा हुआ. पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती. ऑफ कोर्स नहीं जाती. मैं कहाँ बोली वेस्ट गई. मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को अभी भी पूरा ज्ञान मैं ही देती हूँ. उन लोगों का कुछ भी टूटता है पहले एक्सरे मेरे को भेजते. नॉलेज इज ऑलवेज अक्वायर्ड. One eternity later. That's all you guys for this vlog. I'm ending it after one full week of extreme hustle. Last week was so hectic work-wise, especially both at Impulse Coffees and my beauty content. If you've not really noticed, main bahut koshish kar rahi hu ki as a content creator, main abhi thoda short form content pe bhi dhyan do because short form is the future. And for the longest time, main matlab aise hi short form content kar leti thi. Zyada mera focus long format pe hota tha. Wo mere dil se aata hai and I love vlogging for y'all, sharing my life with y'all, talking to y'all. कुछ भी हो, मेरा फिटनेस, मेरा ब्यूटी, मेरा शॉपिंग, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. मुझे मजा आता है, इसलिए इट्स सो रॉ एंड ऑथेंटिक एंड आई वांट टू कंटिन्यू टू कीप दैट रेगुलर. बट एक कुछ बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है टू गेट माय शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आल्सो यू नो फन एंड हैपनिंग. एंड दैट्स द रीजन व्हाई इस हफ्ते में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 से 4 शूट डेज किए थे जहां पे आई डिड लाइक 2 ट्रांजिशन रील्स. और फिर इवेंट पे गए थे तभी भी मतलब यू नो सुबह से शूट करने की कोशिश कर रही थी ताकि इवेंट पे जाओ तो कॉन्टेंट बन सके. लाइक ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज एज मच एज पॉसिबल. ऑफकोर्स द इवेंट्स आई वेंट टू वर नॉट पेड. But then just getting sure that content is made. Not everything we do is for money, right? We do things for views, we do things for other reasons. And I am getting a call. Abhi mera office shuru ho raha hai. Like it's 11 o'clock and my team will start coming in. So it's a new Monday, a new week, and a new week of hustle is starting. Also, because main itna short format content pe focus kar rahi hu, please go follow me on Instagram and also Impulse Coffees on Instagram. I'm doing a lot of giveaways on my community post and all the chances of winning these giveaways will be to the people who follow us on Instagram. Instagram pe humko follow karna mat bhulna. I am going to be doing a giveaway every Sunday and Thursday ko
उनके विनर्स अनाउंस होंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. इट्स गोइंग टू बी रियली रियली फन ऑफ कोर्स. एंड आई एम डूइंग वीकली व्लॉग्स अभी बिकॉज आई नो कि आप लोग को लंबे वीडियोस देखने पसंद है. तो पूरे वीक का हसल आई एम पुटिंग इनटू वन व्लॉग. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट अ बिग थम्स अप. 40 सास्कर शॉट गोज टू कोयल बासु. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल. इफ यू वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो सास्कर शॉट, यू नो व्हाट टू डू. हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, राइट नेक्स्ट टू नॉट लीव कमेंट डाउन बिलो सेइंग #SaraSquad. एंड शो अस पार्ट ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो SaraSquad. Sure. I'll see you very soon in the video. Bye guys, love you.